आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज सैंडविच। यह सैंडविच थोड़ा अलग टाइप का है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आइए शुरू करते हैं बनाना। सैंडविच बनाने के लिए हमको सबसे पहले पुदीने की चटनी चाहिए, तो इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए देखिए। एक कप मैंने पुदीना लिया है, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश है, धो करके साफ पानी से मैंने रखा हुआ है। और 5-6 मैंने हरी मिर्ची ली है काटी हुई, और 3-4 मैंने आंवले लिए हैं, और 1 छोटा चम्मच मैंने नींबू का रस लिया है, और 1 छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है। तो आइए पहले चटनी बनाते हैं। सबसे पहले हम पुदीना डालेंगे। हरी मिर्ची डालेंगे, आंवला डालेंगे, नींबू का रस भी डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे। हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। आंवला थोड़ा हार्ड होता है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि ये आसानी से पिस जाए। मैंने आंवला लिया है पुदीने की चटनी में, आप चाहें तो कच्ची कैरी भी ले सकते हैं। तो चटनी हमारी तैयार हो गई है, अब हम सैंडविच बनाएंगे। सैंडविच बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। 4 पीस मैंने ब्रेड के लिए हैं, और 4 स्लाइस मैंने चीज़ के लिए हैं, और बटर मैंने मेल्ट किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं सैंडविच बनाना। सबसे पहले हम बटर लगाएंगे इस पर। के बाद पुदीना की चटनी लगाएंगे। और ये स्लाइस हम निकाल के इस पे लगा देंगे। दूसरा भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे ब्रेड। पुदीने की चटनी बनाएंगे, इसके बीच में भी हम थोड़ी सी ऐसे चटनी लगा देंगे ताकि हमारा देखने में अच्छा लगे सैंडविच। अब इसको ऐसे दबा देंगे हम। पैन हमने गरम कर लिया है, थोड़ा हम बटर डालेंगे। इसको हम ऐसे दबा के थोड़ा सेक लेंगे, दोनों साइड से हम इसको सेकेंगे। हल्का ये ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा बटर और लगाएंगे ताकि थोड़ा सॉफ्ट रहे। इस साइड में बटर लगा देंगे। सैंडविच हमारा तैयार हो गया है, हम इसको निकाल लेंगे। सैंडविच हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम इसको बीच में से कट कर देंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। दूसरा भी हम ऐसे ही कट कर देंगे। हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं, अब हम इसको सर्व करेंगे। तो देखा आपने कितना आसान था इसको बनाना। आप भी अपने घर पर जरूर बनाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। यदि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।